धरती के अंदर होने वाली हलचल और इसके प्रभावों पर देश के चार बड़े संस्थानों ने हाल ही में अध्ययन किया है। इसमें यह सामने आया है कि देश में आने वाले समय में 8 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप आ सकते हैं, जो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। यह अध्ययन देहरादून स्थित वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, नेशनल सेंटर फॉर अर्थ सीस्मिक स्टडीज केरल और IIT खड़गपुर ने किया है। सब बारे में वाडिया संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक और जियोफिजिक्स के प्रमुख डॉक्टर सुशील कुमार ने बताया कि वैज्ञानिकों ने वर्ष 2004 से 2013 के बीच कुल 423 भूकंपों का अध्ययन किया। इसमें सामने आया कि 1905 से अब तक इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने पर घर्षण से पैदा हुई कुल ऊर्जा में से भूकंपों के जरिए केवल 3 से 5% ऊर्जा ही निकली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में 8 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आने की पूरी आशंका है। गौरतलब है कि वर्ष 1905 में कांगड़ा में भीषण भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8 मापी गई थी। उस वक्त जानमाल की व्यापक तबाही हुई थी। कांगड़ा के बाद साल 2015 में नेपाल में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई थी। डॉक्टर कुमार बताते हैं कि उत्तर पश्चिम हिमालय क्षेत्र में इंडियन प्लेट उत्तर दिशा की तरफ खिसक रही है और यूरेशियन प्लेट के नीचे दबाव पैदा कर रही है। इससे इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फॉल्ट सिस्टम बन गए हैं। इसमें मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट HFT प्रमुख हैं। अपने अध्ययन को पुख्ता करने के लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ने हिमालय में विभिन्न जगहों पर 12 ग्रांड बैंड सीस्मिक स्टेशन लगाए और कई सालों के अंतराल में इन स्टेशनों पर रिकॉर्ड भिन्न भिन्न प्रकार के भूकंपों का विश्लेषण किया। हालांकि इन सभी अध्ययनों के बावजूद डॉक्टर सुशील कुमार ने कहा कि यह नहीं बताया जा सकता कि भविष्य में बड़ा भूकंप कब और कहां आएगा। Z News की रिपोर्ट।